आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बोलता है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह देखता है, प्रभु यीशु मसीह सुनता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। उनकी मूर्ति तो सोने चांदी की है, उनकी आंखें रहते हैं लेकिन वो, कान रहते हैं लेकिन वो, मुंह रहते हैं लेकिन वो, लेकिन मेरा यीशु मसीह बोलता है, मेरा यीशु मसीह सुनता है और मेरा यीशु मसीह बोलता है। आज प्रभु यीशु मसीह के कुछ शब्दों पर हम ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तो उसने क्या क्या चीजें बोली और क्या क्या चीजें कहा। उसने बहुत सारी बातें उसने कहा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मसीह हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं द्वार हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा गुरु और प्रभु मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा अल्फा और ओमेगा मैं हूं। परमेश्वर के बिना कोई अल्फा और ओमेगा हो सकता है? प्रभु यीशु ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु बाइबल जो है वो बहुत सारे बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। कुछ ऐसी बातें कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अभी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है, जैसे शुद्धिकरण की रीति या कैसे बलि चढ़ाया जाना वगैरह। तो लेकिन वो भी महत्वपूर्ण हमारे लिए, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी प्रभु यीशु मसीह ने हमें बातें बताई। और इसलिए इंग्लिश बाइबल में ऐसे इंग्लिश बाइबल होता है वो रेड एडिशन बाइबल, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई हर एक बात जो है वो लाल अक्षर में लिखी गई है। और ऐसे भी बाइबल है, मेरे ख्याल से भी हिंदी भाषा में भी वो बाइबल आ गई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें जो कही उसके पास हम ध्यान देखेंगे आज। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बातें कही और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कौन से शब्द निकले। मैंने तो आपको बताया प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत सारी बातें कही, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने कुछ बातें बोली। आज हम उन बातों पर ध्यान करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बोली है उस पर वो हमारे लिए आशीष का कारण है, वह हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार दूसरे उसके चौथे अध्याय के आठ वचन से मैं पढ़ रहा हूं। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे से पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो यीशु मसीह के सामने शैतान ने कोई लालच रखा और वो लालच ये था कि तू क्या कर, मुझे प्रणाम कर। मतलब ये जो है वो यीशु मसीह की आराधना चुराना चाहता था। आज बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह की आराधना जो है शैतान चुराता है, वो चुराने देते हैं। संडे को चर्च में नहीं आते, उनको लगता है संडे को चर्च में आना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको संडे को चर्च में आना एक गंभीर बात नहीं लगती, इसलिए सोते रहते हैं आराम के साथ। बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपनी संपूर्ण शक्ति संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। और क्या होता है कि जब आराधना चुराने का समय आता है तो शैतान चुरा लेता है और वो आराधना में आ नहीं पाते, फिर भी अपने मन में परमेश्वर से आशीष पाने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया, आराधना करो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। पुराने नियम में तो शबात को मानने के लिए बोला जाता था कि जो शबात पालन नहीं करेगा उसको पथराव करके मार दिया जाए, लेकिन अब ये ग्रेस का समय है, इसलिए परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम गलत तरीके से जो है ना ले, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर हो, और इसलिए हम क्या करें, लगातार परमेश्वर की आराधना करें, लगातार परमेश्वर की आराधना करें। हमारा बॉस हमें आराधना से दूर करना चाहता है,
हमारा पैसा, हमारी नौकरी, हमारा जॉब, हमारे दुनिया भर के काम हमें परमेश्वर की आराधना से दूर होने के लिए कहते हैं, लेकिन धन्य है वो कि जो ये सारी बातें दूर करके परमेश्वर की आराधना के लिए वो आता है। हालेलुया, यस। और जो प्रभु की आराधना के लिए प्रभु को पहला स्थान नहीं देता, उससे मालूम चलता है कि वो कितना प्रभु से प्रेम करता है, उससे मालूम चलता है कि वो कितना प्रभु से प्रेम करता है। जो लेट आते हैं मालूम चलता है प्रभु से कितने प्रेम करते हैं। ओ यस, तो इसलिए हम समय पे आए और लगातार आए ताकि शैतान परमेश्वर की आराधना जो हम करते हैं वो चुराने ना पाए। आज शैतान को चुराने का काम चालू है। शैतान आता है वो चोरी करने, घात करने और नाश करने। और कोई लोग चर्च को तो ऐसा समझते हैं जैसे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और ये परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता भी है और परमेश्वर बोलता भी है। यस, तो हम मसीहों के लिए जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो लोग जिन्होंने प्रभु पर अपना भरोसा रखा है, हमारे लिए प्रभु की कलीसिया, प्रभु की आराधना एक बहुत जो है ऐसी होनी चाहिए कि जिसको कभी हम जो है बदल नहीं सकते। उस आराधना का समय किसी बात को दे नहीं सकते। हम आराधना मतलब आराधना, मुझे पता है कुछ विश्वासी जब उनको काम दिया जाता है और कुछ ऐसे विश्वासी प्रभु के लोग वो अपने काम पे छुट्टी ले लेते हैं। वो कहते हैं संडे के मुझे ये समय चाहिए, इस समय के लिए आप कितना भी पैसा काटो मेरा, मैं इस समय पे प्रभु के भवन में रहूंगा। और वो प्रभु के भवन में रहते हैं। हालेलुया। तो वही चीज यीशु मसीह की आराधना चुराने की कोशिश कर रहा था ये शैतान, कह रहा था कि मेरी आराधना कर। आज बहुत सारे लोगों को शैतान कहता है कि बस तू बिजनेस की मीटिंग है वहां पे जा, चर्च में मत जा। तेरी ऑफिस की मीटिंग है वहां पे जा, चर्च में मत जा। और ऐसा कर करके वो परमेश्वर की आत्मा जो उनके अंदर जो जल रही है उसको बुझाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ऐसे बाइबल में लिखा है। तो हम जब प्रभु की आराधना में नहीं जाते तो पवित्र आत्मा क्या होती है? शोकित होती है, दुखी होती है। पवित्र आत्मा बुझ जाती है। पवित्र आत्मा बुझ जाती है क्या? हाँ, वो बुझ जाती है, लेकिन वो आपके जीवन में बुझ जाती है। वो तो ऐसी ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है। वो बुझाने वाले आप हो, जो आपके अंदर जो बुझा देते हैं आप। आपको दिया कैसे बुझाना पता है? मोमबत्ती कैसे बुझाना पता है? कैसे बुझाते हैं? हाँ, क्रिसमस केक पे आया जो है अपने बर्थडे केक पे कैसे, वैसे ही जब आप ऐसे करते हो और चर्च में नहीं आते हो तो वो बुझ जाती है। ये कौन है? ये रोशनी ने मेरे विरुद्ध में बोला था ना, इसलिए मैं चर्च में नहीं जाऊंगी। क्यों? रोशनी ने मेरे विरुद्ध में बोला था। अरे भैया, रोशनी ने बोला था तो रोशनी के साथ तुम जो है तुम प्रभु में जा, प्रभु के पास जा रहे, रोशनी तुम्हारे विरोध में बोल रहे, इसलिए तुम्हारा प्रभु का संबंध अलग है। ये चर्च कोई रोशनी का थोड़ी है, कोई ये चर्च की पास्टर प्रदीप का थोड़ी हुई है, ये तो प्रभु का चर्च है। आमेन, हालेलुया। तो इसने मुझे बोला इसलिए मैं चर्च में जाऊंगी, इसने मुझे कहा इसलिए मैं सेल ग्रुप में जाऊंगी, इसने मुझे कहा इसलिए मैं फैमिली प्रेयर में बैठूंगी। परमेश्वर के लोगों, ये गलत है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, हम लगातार चर्च में जाने वाले लोग बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु परमेश्वर आपकी आराधना चुराने ना दे ना पाए। प्रभु कहता है कि आराधना सिर्फ एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, और वो किसकी? मनुष्य की, स्वर्गदूत की, सूर्य की, चंद्रमा की, कारो, ये कुर्सी जिस पे बैठे आप बैठे, ये टेबल जिस पे आप बैठे, किसकी आराधना होनी चाहिए? बाइबल में लिखा है निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं। क्यों मेरे पीछे बोले? क्योंकि तुम्हें किसे दूसरे ईश्वर करके
किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता ये अलग अलग है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता, जो बनाने वाला है वो कौन है? सृष्टिकर्ता। और जो बनाई हुई चीज है वो कौन है? सृष्टि। तो सृष्टि की चीजों की आराधना करना तुम्हारे लिए मना है, ऐसे बाइबल में लिखा है। मैंने कह रहा हूं किस कहा लिखा है? बाइबल में लिखा कि सृष्टि की कोई भी चीज लेके तुम्हें उसकी आराधना करनी नहीं। अगर आराधना जिसको ड्यू है, आराधना जिसको देनी है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो सबका परमेश्वर है। वो उसी परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को बनाया, मुसलमानों को बनाया, हिंदुओं को बनाया और सारी दुनिया के लोगों को बनाया। और वो प्रभु ये चाहता है कि तुम आराधना सिर्फ मेरी ही करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे शादी में ये किया जाता है, पति पत्नी का जो है वाचा दी जाती है कि मैं तुम्हें अपनी पति समझूंगा, पत्नी समझूंगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी और के साथ जाए तो वाचा जो है वो आदमी क्या करता है, वो जल उठता है, अरे मेरी पत्नी वहां पे कैसे गई, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। कुछ कुछ पति लोग तो बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होते हैं, और हमारा प्रभु भी बड़ा पॉजेसिव है। वो कहता है कि किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है कि हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा जब बोलता है वो कहता है, वो डांटता है। यीशु मसीह जब बोलता है तो वो डांटने के लिए बोलता है, शैतान को डांटता है। शैतान को डांटता है, शैतान कहता है ये मैं सब तुझे दे दूंगा। आज शैतान हमारे पास बहुत सारे लालच दे देगा। रविवार को आप जो है अपने मॉल में आओ और काम करो, तुम्हें डबल दिया जाएगा। शनिवार रविवार को आओगे तो डबल तनख्वाह मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना जी ना, ये रविवार का समय चुराना तो मतलब महापाप है, ये आराधना चुराना मतलब महापाप है। हालेलुया। बहुत सारे लोग संडे को अपने बिस्तर पे पड़े रहते हैं और प्रभु को ये अच्छा लगता नहीं। अगर तुम काम पे इतनी ईमानदारी से जाते हो, घर का काम बड़े ईमानदारी से करते हो, तो प्रभु का काम भी कितनी ईमानदारी से करना चाहिए। और रविवार को प्रभु की आराधना में एकदम टाइम पे आना चाहिए और प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। यस, एक ही व्यक्ति की आराधना होनी चाहिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 25 वचन पढ़िए और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़िए। प्रेरितों का काम 10 अध्याय और 25 वचन। जब पत्रस धीरज भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। हाँ, आगे बढ़ो। परंतु पत्रस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हूँ। उसने कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी आराधना मत कर, दंडवत करना तो सिर्फ एक ही को कर, और वो कौन है? प्रभु परमेश्वर, उसी की आराधना कर और किसी के सामने। वो पत्रस ने भी अपनी आराधना नहीं होने दी। और फिर बाद में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 8 और 9। मैं वही अन्ना हूँ जो ये बातें सुनाता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो सरदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य डाक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। मैं भी दास हूँ। यस, परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को मुझको दंडवत मत कर। जब कोई आराधना करना शुरू करेंगे, अभी मैं भी बहुत प्रचार करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ तो लोग एकदम मेरे पाँव ले लेते हैं। मैंने कहा, भैया हम तो आदमी है, हमारे पाँव मत लो, ईश्वर हम नहीं है, हम भी गलती करते हैं और हम भी मनुष्य है। मनुष्य तो मनुष्य है, परमेश्वर तो परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर की आराधना ड्यू है परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर को ही देना चाहिए। हालेलुया।
वो किसी प्रॉफिट को नहीं देना चाहिए, वो किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा इवेंजेलिस्ट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो, हम उसकी इज्जत करेंगे, उसको प्यार करेंगे, एक परमेश्वर के दास के रूप में आदर करेंगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना तो सिर्फ परमेश्वर को ही देनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, हाथी जैसा, हमारे लिए तो हाथी ही हो, हमारे लिए तो परमेश्वर परमेश्वर है और हाथी हाथी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो कितनी भी बड़ी मछली हो, वेल जैसी 32 हाथी साथ में खड़े करेंगे, इतनी बड़ी मछली हो, लेकिन वो मछली मछली है, हमारे लिए वो मछली है, हमारे लिए परमेश्वर नहीं है वो, हमारे लिए परमेश्वर वो वेल को बनाने वाला परमेश्वर है, ब्लू वेल को बनाने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आराधना मुझको देनी है वो मुझको आराधना दो। हालेलुया। जब मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। कितनी बार जो हम आराधना को मिस करते फिर भी प्रभु की आशीष आती है, कितनी बार मिस करते फिर भी प्रभु एक्सीडेंट से बचाता है। परमेश्वर की अद्भुत करुणा के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, लेकिन मन में ठान ले कि हम वर्शिप सर्विस मिस नहीं करेंगे। आमेन। यस, परमेश्वर का अनुग्रह कि आज हम जीवित हुए, बाइबल में लिखा है हम भस्म बने हुए, क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा। यस, और जो है हम भस्म बने क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर आज फिर से नहीं होती है। हालांकि तो इसलिए आज हम प्रभु परमेश्वर का डर माने, पास्टर प्रदीप का डर ना माने, लेकिन परमेश्वर का डर माने। परमेश्वर का डर हमारे अंदर आना चाहिए, नहीं मुझे वर्शिप जाना है, नहीं मुझे आराधना जानी है। जब आराधना की बात हुई तो प्रभु यीशु मसीह का मुंह खुल गया और प्रभु यीशु मसीह के मुंह ने डांट कर बोल दिया, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। और 11 वचन में क्या लिखा, जो अन्याय करता है। नहीं नहीं, मत्ती 4:11। तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे दूर हो जा तो शैतान उसके पास से चला गया। जब आप शैतान को डांटोगे ना तो शैतान जाएगा। हालेलुया। शैतान रह नहीं सकता, और आपके पास तो आप यीशु मसीह का नाम है शैतान को डांटने के लिए, शैतान को भगाने के लिए। शैतान कहेगा आज मत जाओ चर्च में, आज वॉशिंग मशीन निकालते हैं, कपड़े धोते हैं, आज दुकान खोलते हैं, आज घूमने चलते हैं, मॉल में जाते हैं, आज बिरयानी बनाते हैं। तो शैतान जो है हमें क्या करता है, टुकड़े फेंकता है हमारे पास। आपको क्या करना है, डांटना है, अरे शैतान मुझसे आज जब तक आराधना सभा से मैं आऊंगी नहीं लौट के तब तक कुछ खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने चर्च में, वो सुबह निकलते हैं ना वो खाना नहीं खाते कुछ, तो पास्टर जब तक हम घर में नहीं पहुंचेंगे ना तब खाएंगे नहीं, हमारी संडे का समझो उपासी हो जाता है। हम निकलते हैं बिना खाके प्रार्थना करके, तब हमको आशीष मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस बिरयानी के लिए सोमवार का दिन है, मंगल का है, बुध का है, बृहस्पतिवार का नहीं, शुक्रवार का है, शुक्रवार का है, संडे को फिर से लौट के आने के बाद है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खाने पीने के लिए तुम्हारे घर है, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर है। दो दो घंटे किचन में खड़े होते मसाले बनाते हो, लेकिन प्रभु के भवन में बैठने के लिए, इतनी सुंदर एसी में, इतनी सुंदर अच्छी जगह पे बैठने के लिए जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चिल्लाओ शैतान के पास, डांटो उसको, हे शैतान दूर हो जा। और बाइबल में 11 वचन लिखा है कि वो शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। आज प्रभु यीशु ऐसा प्रभु करे कि आपको भी वो शैतान छोड़ के चला जाए, जो आपकी आराधना को रोकता है, जो आपकी आराधना के समय को रोकता है, आराधना के समय को चुराता है, आराधना के दिनों को आपके जीवन से निकालता है। मैं तो आपके जो है हर संडे की कौन प्रेजेंट रहता है कौन प्रेजेंट नहीं रहता इसके बारे में हाजिरी तो लेता नहीं, लेकिन स्वर्ग में जरूर ले जाती जा रही है, स्वर्ग में जरूर ली जा रही है आपकी हाजिरी। हालेलुया। तो आप जलनशील होना चाहिए प्रभु की आराधना के लिए। हालेलुया। जलस होना चाहिए, मैं अपने परमेश्वर की आराधना के लिए जाऊंगा और प्रभु की स्तुति करूंगा। फिर मरकुस उसका पहला अध्याय के 25 वचन से लेके अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, और उस समय 23 से, उस समय उनकी सभाओं के घर में एक मनुष्य था
जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी, उसने चिल्लाकर कहा, हे नासरी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या हमें क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करके कहने लगे, ये क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश के सारी जगह पे फैल गया, सारे देश में हर जगह फैल गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर यह वचन, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। प्रभु यीशु मसीह बोला, पहली बार डांट के बोला शैतान को कि निकल जा। अब यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है दुष्ट आत्मा को। बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर दुष्ट आत्मा है, बैठी हुई है, निकल नहीं रही है, उनके साथ शैतान ने वाचा बांधी है। मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक बहन हमारे पास आई उस अपने पति के साथ, और मैंने आत्मा में पहचान लिया कि इसके साथ शैतान ने शादी की है। और मैंने कहा कि तुम्हारे साथ सिस्टर शैतान ने शादी की है। उसने कहा, मुझे सही बात आपने सही बताई। रात को वो शैतान मेरे पास आता है, हर रात को, और अभी तो कम आने लगा है, लेकिन रात को हर बार आता है। और उसने कहा कि एक बार शैतान ने मेरे साथ जो शादी करी, तो हम शादी में थे, मैं थी वहां पे, काले कपड़े पहने थे, मेरे साथ जो दुष्ट आत्मा वो प्रधान था वो था, और हमारी शादी हो रही थी, हमारी शादी में सारी शैतानी आत्मा आई थी और खा पी रहे थे, ये मैंने स्पष्ट अपने आंखों से देखा। और वो शैतान हर रात को मेरे पास आता था, और वो शैतान जैसे मनुष्य के हाथ पांव होते हैं वैसे उसके हाथ पांव होते थे, और वो वही जो है संबंध बनाता था जैसे एक पति बनाता है। और जब से मैं चर्च में जाने लगी तब से वो शैतान जो है आना बंद कर दिया है, और लेकिन वो मुझे बहुत तड़पाता है, और मेरे और मेरे पति की बहुत झगड़े होते हैं। ये दुष्ट आत्मा होती है जो पति पत्नी के बीच में झगड़े लाते हैं, ये दुष्ट आत्मा होती है जो घरों में झगड़े लाती है, ये दुष्ट आत्मा होती है जो आपके ऑफिस में आपका आपके बॉस के साथ बनने नहीं देती, वो दुष्ट आत्मा ने आपके साथ वाचाएं बांध के रखी है, वो दुष्ट आत्मा होती है जो निर्बल करने वाली आत्मा होती है, बीमारी देने वाली आत्मा होती है। और इसलिए आवश्यकता है कि आपको उन दुष्ट आत्माओं से आजादी पानी है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना है। आप कहोगे, देखो मैं कितना सुंदर हूं, उसमें कहा दुष्ट आत्मा, लेकिन जब झगड़ा करते हो तो कैसा जबरदस्त झगड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को स्पिरिट ऑफ एंगर की दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, जब उनको गुस्सा आता है ना, ऐसा लगता है जैसे अभी वो मार दे किसी को। हम बात कर रहे थे कल, यस, स्पिरिट ऑफ एंगर, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, या रास्ते में किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बात करेंगे जैसे आप इसको मार देंगे। और उनको जो कंट्रोल कर रही है वो स्पिरिट ऑफ एंगर, गुस्से की दुष्ट आत्मा। और वो गुस्से की दुष्ट आत्मा वैसे एकदम नॉर्मल रहेंगे, बाकी दिनों में एकदम पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे उनके जो। और जैसे गुस्सा आता है बस उस समय तो बाइबल भी आ जाए, पास्टर भी आ जाए, और सेल ग्रुप लीडर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, फिर जो गालियां देना शुरू करेंगे। अभी तक तो ऐसा देखा नहीं मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूं उनका जो है सिम्टम, वो मम्मी के सामने पापा के सामने कोई है नहीं उनके लिए कुछ, बहुत गुस्सा होता है। और ये गुस्से की दुष्ट आत्मा को वो खा देते हैं। बोला, मेरा गुस्सा बहुत कड़क है, मेरा गुस्सा तो बहुत ऐसा है, अरे गुस्सा क्या, शैतान बैठा हुआ है तेरे अंदर, मेरा गुस्सा। ये शैतान आपकी जिंदगी एक दिन खा लेगा, आपकी पत्नी को मार देगा वो, आपके बेटे को मार देगा, आपकी बेटी को मार देगा, पता नहीं क्या कर देगा। वो है गुस्से की दुष्ट आत्मा, स्पिरिट ऑफ एंगर। और वो स्पिरिट ऑफ एंगर आता ना तो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। उन्होंने तो पवित्र आत्मा को तो वैसे ही बुझा दिया है, तो पवित्र आत्मा काम नहीं करती। पवित्र आत्मा इज वेरी जेंटल पर्सन, वो जबरदस्ती आके आपको नहीं पकड़ेगा, ही इज अ जेंटल पर्सन। आप उसे कहोगे ना निकल जा, वो निकल जाएगा, बुझ जाएगा वो।
शोकित हो जाएगा, वो दुखित हो जाएगा वो, और शैतान एकदम पकड़ेगा आपको। तो स्पिरिट ऑफ एंगर और जो है ये क्रोध की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा और बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्मा है, वो चोरी करते हैं, वो आपके शांति की चोरी करती है। ये स्पिरिट ऑफ एंगर, आप जो शांत रहते हो, शांति से रहना चाहते हो, रहने नहीं देती वो दुष्ट आत्मा, एकदम आपके ऊपर हावी हो जाती है। और आपको दुष्ट आत्मा बोलती है उस समय, अभी मार इसको, अभी एक लात मार, वो बाल्टी तोड़ दे, अब जा, अभी पंखा उखाड़ के फेंक दे, अब जा, अब ये कर। और आपका शरीर वैसा ही करता है जैसे स्पिरिट ऑफ एंगर आपको बोलती है करने के लिए। वे विचार की आत्मा आपको वही करवाता है, अब कर उसको SMS, अब बोल मैं इंडिया गेट आ रहा हूं, तू भी आ जा, अब बोल मैं शादी करूंगा, कोर्ट में चलते हैं, अब बोल। और ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप शैतान जो है हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। वहां पे फिर दुष्टात्मा जब कंट्रोल कर लेती है, तब माता पिता का, भाई बहन का उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये दुष्टात्मा कंट्रोल आपको कर रही है। ये व्यक्ति जो है ये भी प्रार्थना सभा में आ गया था, लेकिन उसके अंदर थी दुष्टात्मा। बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्टात्मा है, लेकिन वो दुष्टात्मा को छोड़ते नहीं है, दुष्टात्मा को पकड़े रहते हैं, वो दुष्टात्मा को आने के लिए रास्ते खोल देते हैं कि तू भी आ जा, बैठ जा, यीशु मसीह तू भी आ जा, हे दुष्टात्मा तू भी आ जा, हे स्पिरिट ऑफ एंगर तू भी आ जा, हे व्यभिचार तू भी आ जा, और बैठो तुम। तो ये नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह डांटता है, यीशु मसीह बोलता है दुष्टात्मा से, हालेलुया। बाइबल मिल के घर में एक मनुष्य था, सभा के घर में, अब ये सभा का घर था ये, हालेलुया। काश हमारा घर सभा का घर बन जाए। अरे कोई बोलो हालेलुया, कितनी बार टीवी देखते रहोगे घर पर, सभा का घर बन जाए हमारा, हालेलुया, सेल ग्रुप का घर बन जाए। वो व्यक्ति बाइबल में लिखा है 23 वचन में, उनकी सभा के घर में, उनकी सभा के घर में, वहां पे ये नहीं लिखा है प्रदीप के घर में या गिरीश के घर में, बाबूला के घर में या आसफ के घर में, कहीं नहीं लिखा, वहां पे लिखा है सभा के घर में। आज हमारा घर सभा घर बन जाए और उसमें सेल ग्रुप शुरू हो जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभा के घर में मनुष्य, एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने चिल्लाकर कहा, ये यीशु नासरी, क्या तुम्हें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, और उसमें से निकल जा। और वह दुष्ट अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर जो है उसमें से निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा सभा का घर एक छुटकारे का घर होना चाहिए, हमारा सभा का घर एक ऐसा घर होना चाहिए कि जहां पे जितनी सारी प्रार्थनाएं की गई है उन सारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सभा का घर, आराधना का घर, सेल ग्रुप का घर। कौन कौन अपना घर देना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए? आमेन, शाबाश। सब लोग देना चाहते तो अपने घर में प्रार्थना शुरू करो। घर का मुखिया जो है वो प्रार्थना का जो है आपका सेल ग्रुप लीडर है। और बहुत ने अपना घर दिया है, वहां पे अलग अलग जगह प्रार्थना करते हैं। आप अलग अलग घर जाओ, सभा का घर। अरे सभा के घर में हालेलुया, चाहे दुष्टात्मा से भरे लोग आए, चाहे दुखी लोग आए, चाहे बेरोजगार आए, चाहे तकलीफ से भरे लोग आए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और उनको चंगाई देगा। प्रभु यीशु शैतान को डांटेगा, हालेलुया, यस। सभा का घर, कितना सुंदर ये सभा का घर। और इस सभा के घर में प्रभु बोलता है, बोलिए सभा के घर में प्रभु बोलता है, सभा के घर में प्रभु डांटता है, दुष्ट आत्मा को भगाता है, दुष्ट आत्मा को दूर करता है, लोगों को आजाद करता है। अरे वाह, ये सभा के घर में जो कुछ हो गया था ना, वो सारी चीजें सारे तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गई बात। वो सभा के घर में क्या होता बताए, एक दुष्ट आत्मा से व्यक्ति आजाद हो गया। आज हमारे घर में हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। सभा का घर कहां हम कल आए, वो तो टीवी का घर हो गया है, वो तो फोन का घर हो गया है, वो तो गालियां झगड़ा देने का घर हो गया है,
हमारे घर तो सभा का घर होना चाहिए, और ये सभा का घर होने के लिए प्रभु आज बुलाता है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 38 वचन। यीशु ने फिर कर और उनके पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम किसकी खोज में हो? आज ये प्रश्न परमेश्वर आपको पूछता है। आज आप यीशु के पीछे आए हो, यहाँ पे प्रभु के भवन में आए हो, और प्रभु आपको ये प्रश्न पूछता है कि तुम किसकी खोज में हो। आज प्रभु यीशु मसीह यही पूछना चाहता कि तुम किसकी खोज में हो। ये लोग किसकी खोज में थे? अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि वो यीशु की खोज में थे, यीशु की खोज में थे। क्या ही धन्य है वे लोग जो यीशु की खोज में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग कहते तो है कि हम यीशु की खोज में हैं, लेकिन वो खोज में होते हैं पैसे के, वो खोज में होते हैं अपने बॉस को खुश करने के, वो खोज में होते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और अपने ही बच्चों के भलाई में खोज में लगे रहते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन क्या बताता है, पढ़िए उस वचन को, आमोस उसका 5:4 में, आमोस 5:4। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, क्या कहता है बेटा वो? मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की ये इच्छा है कि आज हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें। जब परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे तब हम जीवित रहेंगे। 8वें वचन में पढ़िए उसी अध्याय के, जो पिचपिचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात, आमोस 5:8 वो सारे लोग जो है परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढते वो जो है पता नहीं कौन से पहाड़ों में चले जाते हैं, कौन से नदियों में जाते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर मिलता नहीं है। आज परमेश्वर आपको प्राप्त होने के लिए जो है मिलने के लिए तैयार है, इसलिए तुम यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। सफन्या 1:6 और जो यहोवा की पीछे चलता है लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उनकी खोज में लगे, उसका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। मैं सत्यानाश कर रहा हूँ, जो यहोवा की खोज में नहीं रहते उनका सत्यानाश कर रहा हूँ, ऐसा प्रभु कहता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है पैसे की खोज में है, बस मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले, ये सारी बातें बेकार की चीजें हैं। प्रभु यहोवा की खोज में रहो। प्रभु कहता है कि तुम किसकी खोज में हो, तुम किसकी खोज में हो। चले कहते हैं प्रभु हम आप ही की खोज में हैं। आज प्रभु यीशु मसीह अगर आपको पूछेगा तुम किसकी खोज में हो, तो क्या उत्तर मिलेगा? क्या आप परमेश्वर की खोज में हो या दुनियादारी की बातों को प्राप्त करने की खोज में हो? अगर आप प्रभु की खोज में हो तो आप प्रभु को ढूंढोगे। हालेलुया, आज हम किसकी खोज में है? अच्छे से अच्छी नौकरी, अच्छे से अच्छे कपड़े, मुझे वो सिनेमा में जो इसने वो जो पहना था ना वो वैसे चाहिए मुझे, उसने जो देखो उसने वो जो पहना था उसने वो चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने वस्त्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो?
जंगली श्वसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं, लेकिन तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह क्यों ना पहनाएगा, तुमको वह जरूर पहनाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहन पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बोलिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। इन सब वस्तुओं में क्या क्या चीज आ गई, ये सब वस्तु में क्या क्या भाग आ गया, आप आपका सपना भी आ गया उसमें सारे। हालेलुया। ये सब वस्तुओं में आपका घर भी आ गया, आपका मकान भी आ गया, आपकी सैलरी भी आ गई, पैसा भी आ गया, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ आए। ये सब वस्तुएं तुमको चाहिए, ये तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है, और ये सारी वस्तुएं तुम्हें वो दे देगा। पहले, लेकिन पहले पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, पहले तुम प्रार्थना करो, पहले तुम आराधना सभा में आओ, पहले तुम प्रभु की सेवा करो, तब तुम्हारे पैसों में बरकत आएगी। पहले अन्याय से किसी का मत लो, जिसका जो है उसको दे दो, जिसका जो है वो दे दो। यस, अन्याय का नहीं लेना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है हालेलुया कि मैं सारी वस्तुएं तुम्हें दूंगा, अभी तक तुमको कभी कम किया नहीं किया, तो और भी मैं तुम्हें दूंगा। अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं फिर भी उनको मिलता नहीं, अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, पहनूंगा क्या। और अन्य जाति इतनी चिंता करते हैं अपने कपड़ों के बारे में, लेकिन शैतान उनको पहनने देता नहीं। टॉपलेस, स्लीवलेस, बॉटमलेस, ये लेस, वो लेस, लेस 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 करता जा रहा है शैतान सारे लोगों के कपड़े, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें तो पूरे भूरे भर भरे भरे वस्त्र देता है। अब यहां हमें नहीं आया मेरा जोर से, हाँ यस हालेलुया। हमारा प्रभु को जानता है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर से नहीं चलेगा मेरा काम, पूरे 2 मीटर लेंगे, इतना बड़ा आदमी हूं मैं, और मुझे बाहें भी तो मुझे फूल चाहिए सफेद। तो प्रभु परमेश्वर जो है हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, पहले तुम उसके राज्य। आमेन। यस, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। तो हालेलुया, प्रभु परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहली बात क्या कहा, उसने डांटा और कहा कि हालेलुया हे शैतान दूर हो जा, दूसरी बात डांट कर कहा हालेलुया उसमें से निकल जा, तीसरी बात तुम किसकी खोज में हो प्रभु यीशु ने कहा, चौथी बात हालेलुया मरकुस 5वें अध्याय उसका 5वां अध्याय और उसके अगर 27वें वचन से मैं पढ़ूंगा तो वहां पे लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भी एक स्त्री के बारे में लिखा है कि वो 25वें वचन से लेके, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था परंतु तो और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पास पीछे से आई और उसका वस्त्र छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसका और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ, और उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ, तब उसने देखने के लिए जिस कान ने काम किया था चारों ओर दृष्टि की तब वह स्त्री जानकर
कि मेरी भलाई कैसी हुई है। डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा, हे पुत्री, मेरे पीछे बोलो, यीशु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु ने क्या कहा? अपनी बीमारी से। बहुत सारे लोग जो है वो प्रभु बीमार डॉक्टर के पास जाते हैं, और ये महिला भी डॉक्टर के पास जा रही थी, और बाइबल में लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों से सुख नहीं पाया था, चैन नहीं पाया था, कोई बीमार कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया था। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उनका डॉक्टर पर बड़ा भरोसा है। इस महिला ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इन डॉक्टरों के हाथ में दी थी लेकिन फिर भी बड़ा दुख उठाया था। आज आप डॉक्टरों पर भरोसा मत करो, डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है, डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है, उस पर भरोसा करो। हालेलुया, यस। और प्रभु यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो हालेलुया, आप मिट्टी भी खा के उठाएंगे, आपके मुंह में अगर जाएगी तो वो आपके लिए दवा बन जाएगी। प्रभु यीशु ने मिट्टी सानी, आंखों पे लगाया और उसके आगे खुल गई। ये प्रभु यीशु का चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर है भाई, प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है। ये स्पेशलिस्ट लोग जो है आपसे पैसा लेते हैं और कभी कभी तो आपको और भी ज्यादा बीमारी लग जाती है, कभी कभी रिएक्शन हो जाती है दवाई की। आपकी कभी रिएक्शन हुई है आपके शरीर में कभी दवाई की रिएक्शन? अरे बाप रे, वो बीमारी तो उसका दुख तो उठाओ उठाओ, रिएक्शन का भी दुख उठाओ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। कृपया बच्चे को बाहर ले जाइए। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो चंगाई कैसे मिली पता है? वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तब चंगी हो जाऊं। अभी इतनी जल्दी इतना विश्वास कहां है बहुतों में? अभी तो पैसा भरपूर है, बैंक में भरपूर पैसा है, अभी और उड़ाओ, डॉक्टर के पास जाओ, टाइम पे अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट, उपवास प्रार्थना में मत आना, चंगाई के सभा में मत आना, अभी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। क्या अभी प्रभु के पास आओगे? अभी प्रभु के पास आओ। हालेलुया, आपके पैसे को बचाओ और देखो प्रभु चमत्कार करेगा। यीशु चंगा करता है। हालेलुया, यीशु जब बोलता है तो चंगाई निकलती है। यीशु ने बोला और चंगाई दे दी, यीशु ने बोला और दुष्ट आत्मा हट गई, यीशु ने बोला और वो सारा लालच दूर हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है तो लालच दूर होता है, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती है, बीमारियां भी भाग जाती है। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हालेलुया, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब जो विश्वास उसने इस पर रखा था यीशु पर कि मैं उसके वस्त्र को छूने का काम, बस उसका इतना विश्वास बढ़ गया था कि वो छूने के से ही ठीक हो जाऊंगी मैं। एक जो सुबेदार का विश्वास था कि अगर प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से शब्द निकाले तो उसके घर में जो दास है वो। आपका विश्वास क्या कहता है आज का? आपका विश्वास कहता है कि अगर मैं प्रभु के भवन में आज आया हूं, आई हूं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे परेशानी को दूर करेगा। अगर आपके पास विश्वास है तो आप अपने विश्वास के अनुसार पाएंगे। हालेलुया, आपका विश्वास मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। ये क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अरे भाई, यीशु मसीह ही ऐसा परमेश्वर है जिसके ऊपर विश्वास करने के बाद ही ठीक हो जाता है। विश्वास ही करो सिर्फ, वो तो करेगी छू लूंगी। हालेलुया, आज आप यहाँ बैठे बैठे विश्वास करो और प्रभु आपके लिए काम करेगा। यहीं बैठे बैठे प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा, यहीं बैठे बैठे स्वर्गदूत आपके लिए जाके काम करेंगे, यहीं बैठे बैठे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और आपकी फीस सिर्फ विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास कर। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको विश्वास करने के लिए कहता है। बहुत सारे ऐसे जगह है कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा होगा जा, चंगे हो गए जा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। हालेलुया, फिर एक और बात हम बताएंगे। हालेलुया, कि कैसे प्रभु यीशु, लुका रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय है। लुका रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय,
और उसके दूसरे वचन से लेकर, और उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया कि स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। आज आपको कहां पे जाना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है और कौन से काम पे जाना है, कैसे प्रभु प्रमोशन देगा और कैसे प्रभु आशीष देगा, और आपके काम को कैसी बरकत मिलेगी, और आपके पास इतने पैसे आएंगे कि आपका बटुआ फटेगा, इतने पैसे आएंगे कि आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी, ये सब करने वाला प्रभु है। आप अपने मेहनत पर विश्वास मत करो, आप परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। हमारा तो विश्वास ही नहीं प्रभु के पास, बहुतों का दशमांश देने का भी विश्वास नहीं कि प्रभु हमें पढ़ाएगा, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर पर उसने विश्वास किया, उसने कहा प्रभु तूने कहा है ना, इसलिए मैं जाल डाल रहा हूं, तूने कहा इसलिए तेरी बातों को मैं इज्जत करता हूं। प्रभु तू कितना महान है, प्रभु तूने जब कहा है तो मेरे लिए पत्थर के ऊपर लकीर है, प्रभु जी मैं डाल के रहूंगा, जो तूने कहा मैं करके रहूंगा, तूने इसलिए कहा है प्रभु बाइबल में, इसलिए मैं करके रहूंगा। तूने कहा है प्रभु जी चर्च में आओ, मैं चर्च में आऊंगा। तूने कहा कि रविवार को आराधना के लिए आओ, मैं आऊंगा प्रभु। तूने कहा कि उपवास रखो, मैं रखूंगा प्रभु। तूने कहा कि दशमांश दो, दूंगा प्रभु। तूने कहा कि पवित्र रहो, दूंगा, पवित्र रहूंगा प्रभु। तूने कहा सच रहो, सच बोलो, सच बोलूंगा प्रभु। तूने कहा कि वो गुस्से की आत्मा तुम्हें कंट्रोल करने ना पाए, हाँ प्रभु नहीं करेगी, तेरी आत्मा का कंट्रोल करेगी मुझको। हालेलुया। तूने कहा प्रभु, तूने कहा। यस, आज आप दुनिया के लोग क्या कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन प्रभु तुम्हें क्या कहता है ये बात ध्यान दो। प्रभु परमेश्वर आपको उस बातें करता है, इस सारे गड़बड़ी और हड़बड़ी और खटखट और फटफट की जिंदगी में प्रभु की शीरीन आवाज आपके कानों में आ जाए, और आप प्रभु की शीरीन आवाज को सुने, और आप प्रभु की शीरीन आवाज सुन के आप भी वो काम करें जो पत्रस को प्रभु ने कहा था, तब आप अपने जीवन में सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे, तब सफलता आपके पैरों को आके चूमेगी और परमेश्वर की महिमा होगी। हे तो भी, मेरे पीछे बोलो तो भी, तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु कहता है कि तेरे कहने, उस जो है पत्रस ने कहा प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर की बात जो मानता है वो अपने जीवन में हमेशा आशीषित होता है। आप देखो बाइबल में पढ़ के जिन जिन व्यक्तियों ने प्रभु की आज्ञा पालन करी उनके जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी और बहुत बड़े बड़े बरकत है और बहुत बड़ी बड़ी आशीष दी। मत्ती उसके 28 अध्याय के अमेरिका से प्रभु यीशु ने कहा, आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, मत्ती 28 के 18 में, मेरे पीछे बोलिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये किसको कहा, मुझको कहा, बोलिए मुझको कहा। अगर आज प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है, आपको कहता है कि जाके प्रचार करो, ये खाली कुर्सियां क्यों भरी पड़ी है यहाँ पे, ये खाली कुर्सियां यहाँ पे आपके रिश्तेदार आने चाहिए थे, आपके पड़ोसी आने चाहिए थे, पूरा भरना चाहिए प्रभु का भर, सभा का घर पूरा भरना चाहिए, और इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सबको क्या करो, गवाही दो, सारे लोगों को चेला बनाओ,
सिर्फ आपको गवाही देनी नहीं है, आपको चेला बनाना है। अब कौन सा चेला बनाना है? ये नहीं कि प्रचार कर दिया, मैंने इसको प्रचार कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। ना 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 ना, आपको जाना है, सबको प्रभु का प्रचार करना है, और जो कोई आपका चेला बनने के लायक है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उसको चेला बना के प्रभु के भवन में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। यस, आज कौन पहली बार आए? सिस्टर आपको किसने बुलाया चर्च में? किसने चर्च में लाया? ओह वेरी गुड, कल्पना, कल्पना बहन, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर आपको किसने चर्च में लाया? वेरी गुड, हालेलुया। अरे सिस्टर टीना ने, सिस्टर टीना, अरे वेरी गुड, सिस्टर टीना चड्डा ने उनको लाया, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। टीना के लिए और कल्पना के लिए ताली बजाओ, आमेन, हालेलुया। अगली बार आपके लिए भी ताली बजनी चाहिए कि प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, चेले बनाओ, सिर्फ प्रचार करके छोड़ने देना, चेले बनाओ, उनको प्रभु के राज में लाओ, उनको प्रभु के राज में लाओ, उनको भी प्रभु के राज्य का स्वाद चखने दो, उनको भी प्रभु के राज्य की आशीष लूटने दो। हालेलुया, ये आशीष सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन सबके लिए है, ये आशीष सबके लिए है। तो हम प्रभु के लोगों को बुलाएंगे, प्रभु के भवन में लाएंगे, और एक बहुत बड़ा काम होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु बोलता है, आमेन। प्रभु यीशु सपनों के द्वारा बोलता है, प्रभु यीशु वचन के द्वारा बोलता है, प्रभु यीशु आपकी परिस्थितियों के द्वारा बोलता है। आपके जीवन में जो परिस्थितियां हो रही है ना, उन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर बोलता है आपको, एकांत में भी परमेश्वर बोलता है। बोलिए, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर की श्रीन आवाज मैं सुनूंगा, परमेश्वर बोलता है। प्रभु आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। मेरा जीवन बदल गया।